हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे प्याज की चटनी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, टोमेटो, नमक स्वाद अनुसार और तेल। कढ़ाई गरम कर ले। जब ये गरम हो जाए इसमें तेल डाल देंगे। कटे हुए प्याज डालेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, इसे अच्छा से मिला ले। ये सॉफ्ट होने तक अच्छा से पका लेंगे। इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा से पका लेंगे। ये सब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसमें टोमेटो डालेंगे। एक बड़े साइज टोमेटो लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और टोमेटो सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। जब ये पक जाए फ्लेम ऑफ कर लेंगे। इसे थोड़ा देर ठंडा होने दे और अच्छे से ब्लेंड कर ले। और तैयार है हमारा चटनी। आप इसे राइस, चपाती या पकौड़े के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।